The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, celiac disease. ये इसको कभी-कभी celiacs पर या gluten allergy, gluten sensitivity, gluten sensitive enteropathy भी कहा जाता है. ये एक immune reaction है, ये over sensitivity है, ये allergic reaction है gluten से. जब भी आप कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जिसमें ग्लूटन होता है, जो कि एक प्रोटीन है. ग्लूटन इज बेसिकली अ प्रोटीन विच इज फाउंड इन वीट, बार्ली, राई, गेहूं. गेहूं में प्रेजेंट ये प्रोटीन कुछ लोगों को तंग कर सकता है, दिक्कत दे सकता है. तो अगर आपको ऐसा सीलियाक डिजीज है और आपने ग्लूटन खा लिया तो क्या होगा? इन रिस्पॉन्स आपके इम्यून सिस्टम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ही जोरदार तरीके से इरिटेट कर देगा. ओवर टाइम ये रिएक्शन धीरे धीरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लाइनिंग को तंग करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकता है. लाइनिंग में डैमेज होने से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको. सो इंटेस्टाइनल डैमेज ये काम करेगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. साथ ही आपको डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है. जैसे ही आप कोई भी ग्लूटन वाली चीज खाते हैं, कुछ ही घंटों में लूज मोशन हो जाता है. साथ ही आपको फटीग, भाई ऑब्वियस सी चीज है, जब लूज मोशन होगा तो डिहाइड्रेशन भी होगा और साथ में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, तो भाई साहब कमजोरी तो आएगी आएगी, वेट लॉस तो होगा ही होगा. सो कमजोरी, वेट लॉस, ब्लोटिंग, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो पेट की आंतें फूलेंगी फूलेंगी. सो ब्लोटिंग भी होगी और कई बार खून की कमी, एनीमिया भी हो जाती है. एनीमिया भी हो जाता है बिकॉज न्यूट्रिएंट की कमी, आयरन की कमी, और कई बार खून भी जा सकता है इन्फ्लेमेशन पे. इंटेस्टाइन्स डैमेज होके ब्लड भी आ सकता है मोशंस के साथ, या ब्लैक स्टूल्स भी आ सकते हैं. सो दीस कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस. ऑलराइट, सो बच्चों में क्या होगा? छोटे बच्चों को अगर ऐसी एलर्जी, ऑब्वियसली चीज है ये कई बार बचपन से होती है, और अगर बच्चों में मैल एब्जॉर्प्शन होगा तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाएगी. और जो सिम्टम्स आपको दिखेंगे कई बार एडल्टहुड में दिखते हैं, लेकिन बच्चों की ग्रोथ कम दिखने लगती है. कायदे से ये सिंपल सी एलर्जी है भाई, आपको अगर डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से बचना पड़ेगा. इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि आज के बाद मैं डस्ट इम्यून हो जाऊं. वैसे ही अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, देयर इज नो क्योर फॉर सीलिएक डिजीज. मगर अगर आप एक स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट कर लें प्रॉपर, तो आप बड़ी आसानी से अपने इंटेस्टाइन्स को हील कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. नाउ द ओनली थिंग इज कि यहां पर कई लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है, कई लोगों को ये झूठ बोल दिया जाता है कि भी आप ग्लूटन से एलर्जी हो, आप ग्लूटन फ्री डाइट लेनी है, क्योंकि ग्लूटन जो है वो खराब चीज है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ग्लूटन खराब नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन ईटिंग ग्लूटन इफ यू आर नॉट एलर्जिक. ऑब्वियसली वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर एलर्जिक, एक्चुअली एलर्जिक टू ग्लूटन. And most probably you are not a part of that group. But yeah, if you are, then what symptoms you will have? क्या होगा अगर आपको ग्लूटन से एलर्जी है? तो सिंपल सी चीज समझनी है कि भाई ये बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं. एक छोटे से बच्चे से लेके एडल्टहुड तक सिम्टम्स आ सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिसाब से. आप जब भी कोई ग्लूटन वाली चीज खाओगे, आपको डायरिया, फटीग, वेट लॉस, ब्लोटिंग, गैस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो सकता है. सारे पेट के सिम्टम्स हैं. लेकिन याद रखिए कि अगर आप आज सीलिएक डिजीज के एक्चुअल पेशेंट्स लोगे और उनको देखोगे, एडल्ट पेशेंट्स को, तो आधे से ज्यादा पेशेंट्स को इनमें से कुछ ना कुछ साइंस जरूर होंगे. नाउ सिम्टम्स इज अ पेशेंट प्रेजेंट करता है, साइन इज जो हम देखते हैं. साइंस क्या है? एनीमिया, खून की कमी दिखेगी आयरन डेफिशिएंसी से.
बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन्स पेन कर सकती है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, बोन सॉफ्ट हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्किन रैश, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस ऐसी चीजें हो सकती है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर यानी पानी के फुफुले, मुंह में छाले हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, फटीग साथ में, नर्वस सिस्टम में इंजरी हो सकती है, मतलब यहाँ नमनेस और टिंगलिंग नमनेस हो सकती है हाथों में पैरों में, और पॉसिबली इसमें फिर उनको जॉइंट जॉइंट मतलब डिसबैलेंस हो सकता है, बैलेंस प्रॉब्लम, कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है सोचने समझने में कि भाई मैं गिर ना जाए, बैलेंस इश्यूज, और इवन जॉइंट में पेन हो सकता है। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के वजह से हो रही है, और कभी कभी स्प्लीन में भी इश्यू आ सकती है, फंक्शन ऑफ द स्प्लीन यानी हाइपोस्प्लीनिज्म। जी हाँ, स्प्लीन का काम है आपके बेसिकली वेयर हाउस है, जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी ब्लड के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उमर हो जाती है, उनका सिक्वेस्ट्रेशन यानी वहां रिसाइकल होते हैं वो। सो स्प्लीन का प्रॉब्लम आ सकता है। छोटे बच्चे जो चिल्ड्रन है उनमें हमने एडल्ट के जैसे ही सिम्टम्स और देखे हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चों में लंबे समय में जो मेन सिम्टम आएगा कि उनकी वजन नहीं बढ़ रहा, तो फेलियर टू थ्राइव, छोटे एकदम इन्फेंट 1 साल का बच्चा बढ़ ही नहीं पा रहा, ग्रो नहीं होगा तो जिएगा कैसा, बचेगा कैसे, टूथ दांत डैमेज होने लगेंगे, वेट लॉस, अनीमिया, खून की कमी, इरिटेबिलिटी, बार बार रोना, छोटी हाइट रह जाना, या फिर प्यूबर्टी यानी कि उम्र के साथ जो ग्रोथ स्पर्ट आता है वो नहीं आना या लेट आना, उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अटेंशन डेफिशिएंट, हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, राइट, डिसेबिलिटीज, लर्निंग में मुश्किल आनी, समझने में इशू आना, हेडेक्स, मसल कोऑर्डिनेशन या सीजर, दौरे पड़ सकते हैं ऐसे में। सो देखिए सिम्टम्स बहुत सारे हैं लेकिन जड़ एक ही है, एक है सिंपल सी चीज है, खाना पीना नहीं खाएंगे तो तबीयत तो खराब होगी, और खाना पीना लगेगा नहीं तो भी तबीयत खराब होगी। तो सिंपल एज अ पिंपल, सीलिएक डिजीज इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू योर ग्लूटन इन वीट, गेहूं, बार्ली, राय, इसमें जवार, बाजरा जो भी है इसमें ग्लूटन जिसमें होता है उसमें ये एलर्जिक रिएक्शन करता है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बार बार गेहूं खाने के बाद, गेहूं वाली चीज खाने के बाद डायरिया हो रहा है या पेट खराब हो रहा है, तो आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करा सकते हो। बट टेस्टों से पहले इसको होता क्यों है, ऑब्वियसली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपकी जीन्स और आपके ईटिंग हैबिट्स इसमें मायने रखते हैं। जीन्स इसलिए क्योंकि मेन बीमारी ही जेनेटिक है, जेनेटिक कंबाइंड विद ईटिंग फूड्स विद ग्लूटन, ऑब्वियसली ग्लूटन नहीं खाओगे, खाते हो तो फिर उसको बात ही नहीं, ग्लूटन ही नहीं है तो एलर्जी ही नहीं है, कि नहीं। लेकिन अगर जेनेटिकली आप एलर्जिक टेंडेंसी है और ग्लूटन खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, कई लोग को थोड़ा बहुत ग्लूटन चल जाता है, कई लोगों को ज्यादा में दिक्कत होती है, सो यू हैव टू सी, समटाइम्स सीलिएक डिजीज कुछ इवेंट के बाद एक्टिव हो जाती है, बचपन से कुछ नहीं होता लेकिन एकदम से, मतलब प्रेगनेंसी हुई, चाइल्ड बर्थ हुआ, कभी पेट खराब हुआ, डायरिया, कभी कभी पेट का कोई ऑपरेशन हुआ, कभी टाइफॉइड हुआ, कभी कोई ऐसी कोई बीमारी हुई उसके बाद एकदम से ग्लूटन एलर्जी हो गई, ये भी पॉसिबल है, कोई वो एकदम से जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन था लेकिन कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आ गया और वो प्रेसिपिटेट हो गया। सो यस, दैट इज वन थिंग। फिर होता क्या है, बॉडी की इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट करती है जब भी ग्लूटन आता है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे हेयर लाइक विला होते हैं इंटेस्टाइन में, वो हेयर लाइक विला जो है वहां पर डैमेज होता है, और विला ही चीजों को, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट सबको एब्जॉर्ब करते हैं, और बिना डैमेज हो गया तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जय माता दी, आपका खाने का फायदा नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो आपको रेगुलर टेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर, भैया देखो किस किस को होता है, जिसकी फैमिली में किसी को सीलिएक डिजीज है उसको होगा, और बाकी सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, बाकी ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम, एडिसन्स डिजीज जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी है, फिर कई बार कोलाइटिस जैसी बीमारी, डाउन सिंड्रोम, बचपन वाली टर्नर सिंड्रोम वाली बीमारियों में भी हो सकती है ये ग्लूटन की एलर्जी। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, एज आई सेड, मैलअब्सॉर्प्शन, बोन वीकनेस, कई बार लैक्टोस इंटॉलरेंस भी साथ में हो जाता है कि ग्लूटन से भी प्रॉब्लम, दूध से भी प्रॉब्लम, कैंसर भी हो सकता है बार बार इरिटेट होके, कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और कई बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम
आ सकती है फीमेल्स को, इनफर्टिलिटी या मिस कैरेज हो सकते हैं, क्योंकि सही मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो कैसे बचाओगे खुद को। सो अब कई बार ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो नॉन रिस्पॉन्सिव होती हैं, समथिंग कॉल्ड एज नॉन रिस्पॉन्सिव सीलिएक डिजीज। पीपल विद सीलिएक डिजीज कई बार जो ग्लूटन फ्री डाइट से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ग्लूटन फ्री डाइट ले रहे हैं फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दिस इज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ डाइट विद ग्लूटन। कई बार डाइटिशियन कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ग्लूटन वाला प्रोडक्ट आ जाता है डाइट में। ऐसे केसेस में बहुत इशू होती है। सो ऐसे में दूसरी एसोसिएटेड कंडीशन बैठ सकती है साथ में, जैसे कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, सीबो, और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, पुअर पैनक्रियाज फंक्शन, के एंजाइम सही नहीं आ रहे, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम IBS, या फिर डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग शुगर इन द फूड, डेयरी प्रोडक्ट जैसे लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज, और रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज जैसी बीमारियां। सो रेयर है रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज, मतलब कुछ भी कर लो आराम ही नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट, मतलब स्ट्रिक्ट ग्लूटन फ्री डाइट है, ग्लूटन है ही नहीं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, उस केस में फिर पुरानी इंजरीज को हील करने का समय आ जाता है। सो यह है ग्लूटन एलर्जी। अब डायग्नोसिस ऑब्वियसली इसके लिए बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करना जरूरी है। देयर इज अ सीरोलॉजी टेस्ट विच लुक्स फॉर एंटीबॉडीज इन योर ब्लड, एंटीबॉडीज फॉर दिस काइंड ऑफ मतलब ग्लूटन के खिलाफ एलर्जी वाले एंटीबॉडीज अगर आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपको ये बीमारी है। जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है कि भाई किसी को आगे चल के होगी कि नहीं होगी, उसके लिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DQ2, HLA-DQ8 इसकी टेस्ट होती है, DQ2, DQ8, और सीरोलॉजी टेस्ट होती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लूटन, ग्लूटन एंटीबॉडीज। और इसके अलावा एंडोस्कोपिकली नीचे जाके आपकी आंत देखी जा सकती है, कैप्सूल एंडोस्कोपी की जा सकती है, और ट्रीटमेंट जैसे हमने कहा बिल्कुल भी ग्लूटन वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो ग्लूटन सारे अवॉइड करेंगे तो फिर आप ठीक रहोगे। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एंड वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट दिस अगेन।